जैसा कि आप सबको पता है, आज की क्लास में हम डीप नेक ब्लाउज सीखने वाले हैं विथ प्रिंसेस कट एंड योक। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे मुश्किल जो है डीप नेक ब्लाउज बनाना ही होता है। जो सालों से ब्लाउज बनाते आ रहे हैं उनको भी डीप नेक ब्लाउज बनाते वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बनने के बाद कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। जैसे कि जितना परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए उतनी परफेक्ट फिटिंग नहीं आ पाती है। भले चाहे कोई कहाँ से भी सीख के आया हो, मान लो एक मेजरमेंट में वो उन्होंने परफेक्ट डीप नेक सीख लिया, बट अगर कोई डिफरेंट मेजरमेंट आ जाता है तो उनके कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले हम मेजरमेंट सीखेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू टेक प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो यहाँ पे पहले मैं मेजरमेंट्स लिख रही हूँ कौन कौन से हमें चाहिए। अब जो डीप नेक का पैटर्न हम बनाने वाले हैं वो आगे से स्वीट हार्ट सॉरी पान शेप होगा। इस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं। क्लास के एंड में मैं कुछ मेरे स्टूडेंट के वर्क भी दिखाऊंगी, जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि साइज भले 32 हो या 42 हो, आपको जो है सेम फिटिंग मिलेगी। चलो तो मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे मेजरमेंट में लेंथ मेजरमेंट, लेंथ अपर चेस्ट, चेस्ट मेजरमेंट, अपर वेस्ट लेंथ मतलब योक लेंथ, अपर वेस्ट राउंड, लोअर वेस्ट राउंड, शोल्डर, फ्रंट विड्थ, चेस्ट लेंथ, चेस्ट विड्थ। ये जो लास्ट वाले दो मेजरमेंट हैं वो हम डार्ट्स के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ मेजरमेंट लेनी है। तो देखो, लेंथ हमारा कभी भी बैक और फ्रंट दोनों से अलग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी बैक की लेंथ हमारी जब हम लेंगे तो स्ट्रेट होगा, बट फ्रंट में हमारा हमेशा चेस्ट के पोर्शन के वजह से लेंथ ज़्यादा आएगी। ये फ्रंट है और ये बैक है। मान लो मैं इस तरह से साइड में खड़ी हूँ, इस तरह, तो बैक और फ्रंट दोनों में लेंथ हमेशा अलग आएगी, साइज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे साइज हमारी चेंज होगी वैसे वैसे हमारी लेंथ आगे की ज़्यादा होगी। जैसे मेरे साइज में आगे की पीछे की लेंथ 14 आएगी, सो फ्रंट लेंथ 14.5 आएगी। जबकि कोई 43 साइज का मैं आपको मेजरमेंट बताऊं, तो उनमें आगे की लेंथ आएगी 18 इंचेस एंड पीछे की लेंथ आएगी 15 इंचेस, टोटल 3 इंच का डिफरेंस। तो ऐसा भी हो सकता है। चलो तो देखिए, ब्लाउज़ की लेंथ हमें लेते वक्त गले के बाजू में इंच टेप रखनी है। सबसे पहली गलती है कि हम शोल्डर के बीच में हम इंच टेप रख लेते हैं सेंटर में, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें मेजर टेप को यहाँ रखना है। वी हैव टू पुट मेजर टेप हियर। अभी क्लियर दिख रहा है? तो देखो, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है, गले के बाजू में इंच टेप रखना। पुट इंच टेप जस्ट बिसाइड नेक। गले के बाजू में इंच टेप आगे और पीछे के सेंटर में, यहाँ सेंटर में हमें नहीं रखना। तो गले के बाजू में हम इंच टेप रखेंगे और चेस्ट के ऊपर से साइड में नहीं, चेस्ट के ऊपर से हमें फ्रंट लेंथ मेजरमेंट लेना है, इस तरह। अब यहाँ से आप 3 से 4 अंगुल नीचे तक ले सकते हो। जैसे कि मेरा फ्रंट लेंथ आ रहा है 15 इंचेस। देखो, मेरा फ्रंट लेंथ आ रहा है 15 इंचेस। तो अंडर बस्ट वाले एरिया से, ये अंडर बस्ट वाला एरिया है अपर वेस्ट वाला, इससे हम यहाँ तक ले लेंगे 15 इंचेस। आपको मेजर टेप ऐसे नहीं रखनी, चेस्ट के ऊपर ही रखनी है, इस तरह। देख सकते हो मेरा जो है लेंथ का मेजरमेंट 15 इंचेस आया। फ्रंट की लेंथ 15 इंच आई। अब देख लेते हैं कि बैक की लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे बैक में वापस मेजर टेप हम गले के बाजू में रखेंगे और आगे और पीछे के सेंटर में 14.5 आएगी मेरी बैक की लेंथ। सो मेरे फ्रंट और बैक की लेंथ में 1/2 इंच का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम स्लैश करके
लेंथ का मेजरमेंट लिख देंगे। अगर आपकी 36 चेस्ट है तो आपके 1 इंच का डिफरेंस आएगा, अगर 38 40 है तो 1.25 इंच 1.5 इंच का डिफरेंस आएगा, 42 44 में 2 इंचेस का डिफरेंस आएगा, इस तरह से। तो अभी देखो हम यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। अपर चेस्ट का मेजरमेंट हमें इस तरह से लेना है, 2 अंगुली अंदर रखेंगे, हल्का सा लूज रहेगा हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट, पीछे से एकदम स्ट्रेट चेस्ट के ऊपर से। इट्स अपर चेस्ट मेजरमेंट, 2 फिंगर इनसाइड, लिटिल बीट लूज, ऐसे इंच टेप गोल घूम जाए, इस तरह से हमें इतना लूज लेना है। तो अभी मेरा अपर चेस्ट आ रहा है 31। चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, बस्ट पॉइंट के ऊपर ही हम मेजर टेप रखेंगे, इतना ज़्यादा टाइट नहीं लेना कि हम सांस ना ले सके, ऐसे सांस छोड़नी है। 2 अंगुली अंदर, 33 इंच मेरा चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है। अब देखो अपर वेस्ट लेंथ, अपर वेस्ट लेंथ मतलब हमारा अंडर बस्ट, बस्ट के अंदर वाला एरिया जहाँ हम योक वाली लाइन रखेंगे, योक जहाँ से हमारा होगा। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि योक हम कहाँ से लें, ये वाला पार्ट। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आपको गले के बाजू में इंच टेप रखनी है और यहाँ तक आपको योक लेंथ ले लेनी है चेस्ट के ऊपर से। वी हैव टू टेक योक लेंथ लाइक दिस, अपर वेस्ट लेंथ, इसका नाम मैंने दिया है अपर वेस्ट लेंथ। गले के बाजू में प्रॉपर इंच टेप होनी चाहिए आगे और पीछे के सेंटर में, ना पीछे ना इधर। अपर वेस्ट लेंथ माय 1 फिंगर टू सेकेंड फिंगर, मेरी 1 अंगुली से दूसरे अंगुली तक का मेजरमेंट है अपर वेस्ट लेंथ। तो मेरी अपर वेस्ट लेंथ आ रही है 12.5 इंच। अब हम अपर वेस्ट राउंड लेंगे, तो सेम पॉइंट से जहाँ तक हमने अपर वेस्ट लेंथ लिया उसी पॉइंट से हमें अपर वेस्ट राउंड मेजरमेंट ले लेना है। ब्लाउज की लेंथ लाइन से नहीं लेना, ऊपर से जहाँ तक हमने योक की लाइन ली। तो मेरी अपर वेस्ट राउंड आ रही है 27। अब लोअर वेस्ट राउंड, लोअर वेस्ट राउंड है ब्लाउज की लेंथ लाइन, लोअर वेस्ट राउंड इज ब्लाउज लेंथ लाइन। जहाँ तक आपने ब्लाउज की लेंथ ली वहीं से हम लोअर वेस्ट राउंड ले लेंगे। तो मेरे जैसे पतले लोगों का लोअर वेस्ट जो है अपर वेस्ट से कम आएगा, लेकिन जिसका भी टमी है उसका लोअर वेस्ट ज़्यादा आएगा। तो जितना आ रहा है हमें उतना लिखना है। अपर वेस्ट एंड लोअर वेस्ट इज क्लियर, अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये मेरा अपर वेस्ट है, लोअर वेस्ट ब्लाउज लेंथ लाइन। देखो अपर वेस्ट है हमारी ब्लाउज की योक लाइन और लोअर वेस्ट है ब्लाउज की लेंथ लाइन। अब शोल्डर मेजरमेंट, देखो डीप नेक बनाते वक्त हमें बैक से शोल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्रंट से शोल्डर लेंगे। वाइल मेकिंग डीप नेक यू विल टेक ओनली फ्रंट शोल्डर। तो देखो यहाँ से हमें शोल्डर बोन डिसाइड कर लेना, आपका जहाँ पे भी आर्महोल आ रहा है उसके ऊपर। मेरे जैसे पतले लोगों में तो आपको शोल्डर बोन फील हो जाएगा, हड्डी एक हड्डी से दूसरे हड्डी तक, एक बोन से दूसरे बोन तक हमें शोल्डर मेजरमेंट ले लेना है। बट हैवी साइज में आपको ये एग्जामिन करना होगा और शोल्डर मेजरमेंट लेना है। तो देखो इस तरह से मैं मेजर टेप रखूँगी, सॉरी स्केल रखूँगी, हैवी साइज में भी आप इस तरह कर सकते हो। और जहाँ से हमारा स्केल का पॉइंट छूट रहा है वहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट इज अवर शोल्डर पॉइंट, ये मेरा शोल्डर पॉइंट है ये वाला। तो स्केल की हेल्प से हमें शोल्डर मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर किसी को शोल्डर मेजरमेंट लेने में दिक्कत होती तो वैसे करो, बाकी आप सब तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट हो शोल्डर मेजरमेंट लेने में ऑलरेडी। देखो 13 इंचेस, शोल्डर मेजरमेंट है 13 इंच। अब फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट हम लेंगे, तो हमें
हाथ को इस तरह से हिलाना है, फ्रंट विड्थ मेजरमेंट है, अपर वेस्ट वाली अपर चेस्ट और शोल्डर मेजरमेंट की सेंटर लाइन, शोल्डर और अंडर आर्म्स की सेंटर लाइन हमारी फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट है। तो अभी हम फ्रंट विड्थ मेजरमेंट के लिए हाथ को इस तरह हिलाएंगे आर्म होल वाले कर्व से। वन आर्म होल कर्व टू अनदर का आर्म होल कर्व डिस्टेंस इज फ्रंट विड्थ। एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल कर्व तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट बोलेंगे। तो हाथ इस तरह हिलाएंगे, ऐसे आर्म होल का आपको अंदाज आ जाएगा। मेरी एक अंगुली से दूसरी अंगुली तक फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट है जो कि 11 इंच आ रहा है। बट अगर मैं आपके पास कस्टमर बन के आई और आपने मेरा फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट ले लिया 12, तो बनने के बाद क्या होगा वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं इस तरह खड़ी हूँ, आपने मेरा 12 ले लिया, चलो 12.5 ले लिया, बनने के बाद ये इस तरह लूज हो जाएगा, इस तरह लूज हो जाएगा बनने के बाद, और यहाँ रिंकल्स आ जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा, क्लियर, पूरा लूज हो जाएगा। तो आपको फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट प्रॉपर लेना है, कस्टमर को ऐसे नॉर्मल खड़ा करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करने देना उनको, नॉर्मली फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट लेंगे। इंच टेप रखने के बाद आप अपना हाथ हिला सकते हो कि कहीं इंच टेप हाथ के साथ तो मुड़ नहीं रही ऐसे। इंच टेप जो है हाथ के साथ मुड़नी नहीं चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। हाथ जब मुड़ रहा है तो कॉर्नर बन रहा है, वही हमारा फ्रंट विड्थ वाला पॉइंट है। तो यहाँ फ्रंट विड्थ मेजरमेंट आ रहा है 11 इंच। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट है वो शोल्डर के मेजरमेंट से 2 इंच कम है। तो अगर आपको फ्रंट विड्थ मेजरमेंट लेने में दिक्कत आ रही है तो आप शोल्डर से 1.5 इंच कम फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट रख सकते हो। इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम इन फ्रंट विड्थ मेजरमेंट टेकिंग देन यू कैन टेक 1.5 इंचेस लेस देन शोल्डर। शोल्डर से 1.5 इंच कम ले सकते हो फ्रंट विड्थ तो सही आ जाएगा। अभी हम लेंगे चेस्ट लेंथ, चेस्ट लेंथ और चेस्ट विड्थ। चेस्ट लेंथ और चेस्ट विड्थ ये दोनों ही माप टक्स के लिए है, डार्ट्स के लिए। तो हमें गले के बाजू में वापस इंच टेप रखनी। देखो हमने जो भी लेंथ वाले मेजरमेंट लिए, लेंथ, अपर वेस्ट लेंथ, तो उसमें हमने गले के बाजू में ही मेजर टेप रखी है। माई वन फिंगर टू सेकेंड फिंगर इज अपर वेस्ट लेंथ। मेरी एक अंगुली से दूसरे अंगुली तक का अंतर अपर वेस्ट लेंथ है। शोल्डर से चेस्ट पॉइंट तक 9.5 इंच आ रहा है, क्लियर। देखो ये 9.5 आया, अपर वेस्ट लेंथ मेरी 12.5 आई, और जो फ्रंट लेंथ है वो 15 इंच आया। सब इसमें और इसमें लगभग मेरा 3 इंच का डिफरेंस हो गया चेस्ट पॉइंट और अपर वेस्ट लेंथ में, और नीचे मेरा 2 to 2.5 इंच का डिफरेंस हो गया। अब चेस्ट विड्थ, चेस्ट विड्थ 1 बस्ट पॉइंट टू सेकेंड बस्ट पॉइंट, एक बस्ट पॉइंट से दूसरे बस्ट पॉइंट तक का अंतर हमारा चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट होगा। सो 7 इंच चेस्ट विड्थ। अब हमें लेना है स्लीव लेंथ एंड स्लीव राउंड। स्लीव लेंथ हम लेंगे शोल्डर टू एल्बो 10 इंचेस, फिर एल्बो राउंड ये जो अंदर की लाइन बन रही है वहां तक 10 इंच एंड स्लीव राउंड। स्लीव राउंड 8.5। अब हम नेक डीप मेजरमेंट ले लेते हैं। सो नेक डीप का हम मेजरमेंट गले के बाजू में इंच टेप रखेंगे और क्रॉस में ले लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे डीप चाहिए 8 इंचेस, आई वांट 8 इंचेस डीप, क्लियर। एक अंगुली से दूसरी अंगुली तक नेक, फ्रंट नेक। अभी बैक का नेक, मेरी एक अंगुली से दूसरे अंगुली तक बैक नेक,
कितना आ रहा होगा। क्रॉस में 11.5। सारे मेजरमेंट हो चुके हैं, तो आप सभी को मेजरमेंट क्लियर।